वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदर्द सानी से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार, बाहमी मफादात पर करीबी राबतों और मिलकर काम करने पर इत्तफाक। अबू धाबी के वली अहद से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। यूएई की मौशी टीम फैसलों पर अमल दरामद के लिए 3 मई को पाकिस्तान आएगी। साजिश के तहत कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म को इसलिए लाया गया कि यह अमरीका की सारी बातें माने। इमरान खान का वीडियो पैगाम, कहा चीफ जस्टिस कमीशन बनाए जो आवामी समाअत करे, जब भी तहकीकात होंगी पता चलेगा किस किस ने मुल्क से गद्दारी की। चांद रात पर कौम पाकिस्तानी झंडे लेकर बाहर निकले। इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्ला ने छुट्टी वाले दिन भी समाअत की। शहबाज गिल को वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी को हिरासत न किया जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत। सिंध का नया गवर्नर कौन होगा? एमक्यूएम पाकिस्तान ने 3 नाम फाइनल कर लिए। नसीन जलील, वसीम अख्तर और आमिर चश्ती के नाम विफाक को भेज दिए। हुकूमत ने हतमी नाम के लिए गौर शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ने लंदन में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान को गैर मामूली चैलेंजेस दरपेश हैं, गैर मामूली हालात में हुकूमत मिली है, इत्तेहादी हुकूमत इन चैलेंजेस से कामयाबी के साथ निपटेगी। मुल्क में एक बार फिर दो ईदें, मरकजी रुहत-ए-हिलाल कमेटी के मुताबिक ईद कल होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी तौर पर आज ईद मनाई जा रही है। वजीरिस्तान के घर में एक भाई ने रोजा रखा, दूसरे ने सवैयां खाई। और हाथों पर हिना की सूंधी खुशबू, चूड़ियों की खनक, लहलहाते आंचल, खुश रंग मलबूसात की तैयारी, वक्त कम और मुकाबला सख्त। खवातीन की शॉपिंग अब भी नामुकम्मल, लड़कों ने भी मुनफरिद लुक के लिए ब्यूटी सैलून का रुख कर लिया। झंग में 20 कैंचियों से हजामत बनाने वाले की धूम।